इजाकत वाइस प्रिंसिपल इस स्कूल के इस अदारे को, लेक्चरर्स, मास्टर्स, टीचर्स, बाहर से आए हुए मेहमान और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त जो है, क्योंकि आज टाइम किसी के पास नहीं है, पैसा है लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है, तो बिजनेसमैन है, किसी को अपना काम है, कोई भी फ्री नहीं है, आप सबका शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश है कि यूथ थोड़ा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूथ के लिए हमने नोटिस निकाला था जो आपके हमारे वो है ना रिक्शा वाली क्या है जो यूथ को मुजफ्फर सर उनके थ्रू मैंने नोटिस लगवाया था कि भाई यूथ मैक्सिमम जो है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि यूथ ही वो लोग हैं बैठकर हम बातें करते हैं, बात की एक दूसरे से बात खत्म होगी वो नहीं है, लेकिन जो इसको अमली जमा पहनाना है कि बाद में इसके आफ्टर इफेक्ट इस प्रोग्राम के क्या होंगे, बाहर आप जाएंगे लोग तो आपने क्या करना है, तो यूथ उसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई बुखारी साहब के बेटे की, मैं खुद गवाह हूँ, 3-4 जो ऐसे केस हुए हैं, एक लड़का दराबे का जो हमें पता चलता है कि ये मसला हो गया है ओवरडोज की वजह से वो हॉस्पिटल में है, तो मैं खुद हॉस्पिटल में जाता हूँ, उसके सर के ऊपर 2 घंटे हाथ रखता हूँ, बराबर 2 घंटे, और जब डॉक्टर उसको रेफर कर देते हैं तो 11:30 बजे रात को मैं घर आता हूँ तो नौशहरे तक वो पहुँचता है, वहाँ डेथ डेथ हो जाती है। एक और लड़का लड्डू का था, 6.5 फुट उसकी हाइट थी, बहुत अच्छे खानदान से था, पापा उसका जो था वो पुलिस में PSP था, लेकिन यहाँ से बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था, वहाँ से उसकी डेड बॉडी जो थी वो वापस आई। एक लड़का हमारा सैलन का था जो पुंछ पढ़ने के लिए आया था, वो हमारा स्टूडेंट था बॉयज कैंटीन में, लेकिन उसने उसके पापा ने जिद की मलक बरादरी में से था कि मैं अपने बेटे को पुंछ जाके छोड़ूंगा, वहाँ ट्यूशनिंग अच्छी है। हमने कहा कि पहले बच्चा जो है इस मसले में मुबतला कैसे होता है, तो यूथ जैसे मैं कह रहा था कि उनकी अपने मोहल्ले में अपने गिरदोनुमा में उनकी पहली नज़र होनी चाहिए कि यहाँ पर कोई बाहर का आदमी तो नहीं आ रहा है, ये चीज़ें आसमान से तो नहीं आती है, आखिर कोई इन चीज़ों को लाता है ना, ये जो ड्रग पेडलर्स हैं जो बेचते जो इसका धंधा करते हैं लाखों और करोड़ों रुपया कमाते हैं, ठीक है ना, वही वो सामान मार्कर हमारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन उसकी करते हैं, तो अगर कोई बाहर का आदमी आपके इलाके में बार बार देखा जाता है आप उस पर नज़र रखें कि भाई ये आदमी कहाँ आता है किसके पास आता है। जो मैं समझता हूँ मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने व्यू पॉइंट सामने रखें, तो मैं तो ये कहता हूँ कि यूथ अपने इलाके को जिसको बोलते हैं उसको सर्विलेंस उसकी करें कि कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी यहाँ से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, पुलिस रेड करती है ना बाद में। अच्छे अच्छे साथी को कहते हैं यार आज हमारी कंपनी का हमारे साथ चल, जब वो इकट्ठे बैठते हैं तो वो उसको मजबूर करते हैं, उसको कस्में दी जाती हैं, उसको दोस्ती तोड़ने की कस्में दी जाती हैं कि भाई हम आपके साथ बात नहीं करेंगे या तू भी चख के देख, लेकिन अगर 1 बार 2 बार 3 बार उसने वो चीज़ ले ली फिर उसको वो चीज़ छोड़नी जो है वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जब हमारे ब्लड में इसकी एंट्री हो जाती है फिर हमारी बॉडी जो है इसके बगैर उसका रहना मुश्किल हो जाता है, फिर वो बॉडी डिमांड करती है कि वो चीज़ होनी चाहिए। नशा एक किस्म का नहीं है, इसके अलग अलग जो है वो जैसे कहते हैं कि हम आटे से फुलका भी बना लेते हैं, कुलचा भी निकाल लेते हैं, पूड़ी भी निकाल लेते हैं, मट्ठे भी निकाल लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे बना लेते हैं, एक आटा है ना। इसी तरह जो ड्रग्स हैं ये इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कई तो ऐसे ड्रग्स हैं